जय श्री राम। बहुत स्वागत आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू सा। मेरे वृषवासी के प्यारे जातक जातिका, इस महीने की शुरुआत कंपटीशन में सफलता के साथ होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2024 की। बाकी चीजें कैसी रहेंगी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना कैसा रहेगा, संतान, नौकरी, व्यापार इत्यादि की परिस्थिति क्या रहने वाली है, इन सभी चीजों पर बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपको बने रहना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि संगीतमय करना चाहते हैं, आनंदित कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो और चाहते हैं कि मैं वो कार्यक्रम करूं देश में है या विदेश में, अब मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए, धार्मिक कार्य के लिए सदैव तैयार रहता हूं। अब चलिए बात कर लेते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, वो फ्री होता है। आप उसमें मेरे साथ कॉल पर कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर विस्तार से बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए अक्टूबर में क्या क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं और वो पॉइंट होगा स्वास्थ्य का। तो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, जब मंथ का स्टार्टिंग होगा, हेल्थ की अगर बात करेंगे, हेल्थ आपका मंथ ऑफ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम का योग है। शुगर लेवल थोड़ा हाई रहे, इस प्रकार की कंडीशन है। और हल्का सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि परेशान करे, जो आप रूटीन में चलते रहें लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। उसके बाद शुक्र, क्योंकि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि स्वामी भी हैं, आपकी राशि को देखेंगे भी, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका अक्टूबर का माह है वो निश्चित रूप से बहुत शानदार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति पर बात करते हैं, वेल्थ को लेकर के आखिर क्या पोजीशन रहने वाली है। आर्थिक परिस्थिति को लेकर अगर हम बात करें, तो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा वृष के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन के स्वामी बुध अगर देखा जाए, स्वग्रही होंगे कन्या राशि में, और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री होंगे, लेकिन फिर भी आपके वृष राशि से ही करीब करीब प्रभावित करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी अच्छा रहने वाला है इस माह। इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं इस महीने, कर्ज इत्यादि आप उतारने वाले हैं। जब 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे, ये ध्यान रखना है कि उसके बाद कुछ खरीदना इत्यादि नहीं है और शेयर मार्केट में पैसा इत्यादि नहीं लगाना है, नहीं तो वहां से नुकसान हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं वेल्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो इस महीने आपका वेल्थ अच्छा दिख रहा है, पैसा अच्छा दिख रहा है, इस महीने आपके पास धन अच्छी तरीके से आएगा भी। तीसरी चीज पर बात कर लेते हैं, एजुकेशन को लेकर के, क्या इस बार एजुकेशन में कुछ खास करने का योग है। यस, इस बार आपके पंचम भाव में बुध गोचर करेंगे स्वग्रही होकर के, साथ में चतुर्थ के स्वामी सूर्य गोचर करेंगे, तो इस माह में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। इवन संतान इत्यादि को लेकर के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो हेल्थ को बता दिया, वेल्थ को लेकर के बता दिया, एजुकेशन को लेकर के अच्छी कंडीशन है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। हाँ, प्रेम संबंध में इस महीने कुछ खास नहीं दिख रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन में प्रवेश करे ऐसी कंडीशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी प्राप्ति का, यदि प्रॉपर्टी आप बहुत दिन से सर्च कर रहे हैं या कर रही हैं, अपने मकान के बारे में विचार कर रहे हैं या कर रही हैं, तो प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग इस महीने जरूर आपकी राशि में बन रहा है, प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, वो कंडीशन है। कहीं जमीन वगैरह फंसी हुई है तो वापस आपको प्राप्त होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं, क्या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीवन साथी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। मैरिज से रिलेटेड कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने मुझे नजर नहीं आ रहा है। इवन जीवन साथी के जो स्वामी मंगल हैं वो नीचस्थ होंगे कर्क राशि में, थर्ड हाउस में, तो जीवन साथी के साथ विवाद इत्यादि का योग क्लियरिटी से दिख रहा है। जीवन साथी को अधिक गुस्सा आए, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। 20 तारीख को मंगल परिवर्तन होने से पहले सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, इट मींस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा और शब्दों में आपकी क्रूरता आए, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के इस महीने आपको सावधानी की आवश्यकता होगी। आखिर प्रोफेशनल लाइफ की कंडीशन क्या रहने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नए ऑफर, कुछ नए ऑप्शन आपके पास आएंगे, नया व्यापार इत्यादि शुरू करने का जो रास्ता है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, कुछ नई चीजें
आपके जीवन के अंतर्गत बनने वाली हैं। व्यापार वृद्धि इत्यादि इस बार दिख रहा है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस महीने में आप अपने स्थान को परिवर्तन करने वाले हैं या करने वाली हैं। आप अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने प्रदेश से, अपने शहर से, अपने देश से दूर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो अगर हम मोटा मोटे तौर पर बात करते हैं, हेल्थ को लेकर के कंडीशन ठीक ठाक है, वेल्थ को लेकर के कंडीशन, धन को लेकर कंडीशन ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहने वाली है, संतान को लेकर के ठीक ठाक परिस्थिति दिख रही है, शुभ समाचार का योग दिख रहा है, संतान के लिए अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा डामाडोल दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर दिख रही है। इस महीने के लिए आपका ब्लैक कलर आपके लिए शुभ होगा, इस महीने पूर्व दिशा आपके लिए अनुकूल रहेगी और अपने कुछ पुराने मित्र आपकी मदद करने वाले हैं। खैर, बहुत डिटेल में जानना चाहते होंगे बट इस कार्यक्रम में समय कम होता है, आपसे निवेदन करूंगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं। आगे हम कुछ और खास चीजों पर आपके लिए जरूर बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, प्रसन्न रहें, शुभकामना, जय श्री राम।